हेलो हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन विद मामा, जिसमें आज हम टिन बिकॉज ऑफ टिन कैन हम इसके साथ एक आर्ट करेंगे इसके ऊपर, जिसके लिए हमें जो मटेरियल्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें इसके अंदर 1 टिन कैन चाहिए और हमें इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ कलर्स चाहिए, जो है हमारे वाइट, ब्लैक एंड येलो। ओके, और इसके लिए हमें 2 ब्रशेस चाहिए, 2 टाइप्स ऑफ ब्रशेस, जो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। आप बिल्कुल जो थिक होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, बट जो हमारा बिल्कुल थिन है वो बिल्कुल थिन ही होना चाहिए इसके अंदर। और इसके लिए हमें थोड़ा सा वाटर भी चाहिए, हमें ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल लिटिल अमाउंट वाटर, जिससे हम हमारे कलर को थोड़ा सा पानी में डिप करके लेंगे, वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होगा और अच्छी तरह से पेंट भी हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इस पर येलो पेंट करेंगे हमारे टिन कैन पर, और हमें वाइट कलर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाइट कलर को प्लीज़ स्किप मत करना, बिकॉज हमें इसमें पिंक कलर चाहिए और लाइट ब्लू कलर चाहिए, तो वो बिना उसके नहीं हो सकता। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग वाइट कलर। तो अब हमारे मटेरियल्स में से सबसे पहले हम हमारा येलो पेंट एंड जो हमारा थिक ब्रश था वो यूज़ कर रहे हैं। हम अब कलर लेंगे, कलर लेकर हम इसे हल्का सा हमारे वाटर में डिप कर हमारा जो टिन कैन है उस पर हम पेंट करना शुरू करेंगे। पहले आपको बिल्कुल लाइट पेंट करना है, बिल्कुल वाटर से पूरा पूरा आपको पेंट करना है। उसके बाद जब इसका हमारे कोर हो जाएगा तो हम एक बार इसको थिक कलर से भी करेंगे। ओके, अब हम इसमें पकड़ने का हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो हम इसके अंदर अपना हाथ डालकर इसे इस तरह से भी पेंट कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि अब मैंने इसके ऊपर बिल्कुल लाइट लाइट पेंट करा है, जिसमें हमारा अंदर का पार्ट भी दिख रहा है। सो अब हम जब इसे सूख जाएगा, वी लेफ्ट फॉर इट 1 आवर, 1 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे, अगर ये नहीं सूखा है तो वी हैव टू लेफ्ट इट फॉर मोर आवर्स, और जब ये पूरा अच्छी तरह से सूख जाएगा उसके बाद हम विदाउट वाटर इसके ऊपर पेंट करेंगे। सो नेक्स्ट हम अब इसको सूखने के लिए रख देंगे। ओके, एंड डोंट फॉरगेट कि आप इसके ऊपर बहुत ही बिल्कुल ही पानी पानी कलर भी मत करिएगा, अदरवाइज आपको 2 कोर और करनी पड़ेगी अगर आप बिल्कुल पानी पानी कलर करोगे तो, बिकॉज ये थोड़ा सा हमारा प्लास्टिक टाइप मेटल है, सो जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो आफ्टर एन आवर मैं इसे ले रही हूँ, और ये अब हम अगर इसको अब हम हैंड से पिक कर रहे हैं तो हमारे हैंड पर बिल्कुल भी कलर नहीं लग रहा है। सो अब हम इसका जो सेकेंड कोर है जो हम विदाउट वाटर यूज़ करेंगे, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम यूज़ कर रहे हैं फुल कलर, जिससे हम अच्छी तरह से इसे पेंट करते हैं, विदाउट वाटर करना, अदरवाइज ये बहुत अजीब दिखेगा और आपको फिर डबल कोर करनी पड़ेगी, तो कोई मतलब नहीं है आप डबल कोर करो तो फिर। So, अब हम जो इसके ऊपर डबल कोर कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ कि कैसे हम इस पर डबल कोर करेंगे। पेंट लेकर आपको हल्का सा इस तरह से पेंट कर इसके ऊपर इस तरह से एक लुक देना है इसे, जो ये मैट लुक बहुत प्यारा लगेगा। और मैं आपको एक और वे एक और टिन कैन पर बताऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब हम इसे पूरा करते हैं। अब हमारा जो ये है वो हमारा रेडी हो चुका है, अब फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा अंदर से दिख रहा होगा, तो अब इसके ऊपर अगर आपको बिल्कुल येलो चाहिए तो आप येलो फिर से इसके ऊपर पेंट कर दीजिए, अदरवाइज उसे वहाँ से तो छोड़ ही दीजिएगा जहाँ पर हम हमारे नेक्स्ट जो हमारी इस पर पेंटिंग होगी, आर्ट होगी, उसके लिए आपको स्पेस छोड़नी ज़रूरी है, अदरवाइज अगर वरना आपका पेंट वेस्ट ही होने वाला है और कुछ नहीं। ओके, सो अब हम हमारा जो ये टिन कैन है इसके अंदर कुछ मार्किंग्स करेंगे, जिससे हम हमारा इसमें डोर बनाएंगे और हमारी थोड़ी सी जो भी हमें इसमें क्रिएटिविटी करनी है आर्ट में हम वो करेंगे।
ओके उसके लिए मैंने सबसे जो सिंपल चीज़ है वो इस्तेमाल करी है, इट्स अ वाइट बोर्ड मार्कर। आप नॉर्मल कोई सा भी मार्कर यूज़ कर सकते हो। वाइट बोर्ड मार्कर मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर हम कहीं पर ये गलती से लग जाए तो हम इसे इरेज भी कर सकते हैं ऑन एनी थिंग। ओके सो अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम इसमें अब डोर बनाने वाले हैं, जो आपने मेरे वीडियो में देख लिया होगा। हम इसके अंदर डोर बनाएंगे तो हमें डोर हमें इस तरफ बनाना है, मतलब हमारा जो डोर है वो इस तरह से बनेगा। ओके तो हमें इस तरफ बनाना है। अगर आप इस तरह से बना देंगे फ्रॉम दिस इस चीज़ को अगर आप टॉप पे रखेंगे तो आपको इस चीज़ को भी पेंट करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं करा तो ये सुंदर नहीं दिखेगा, इसलिए इट्स थिंग। और इधर से आप कर देंगे तो आप इसके अंदर प्लांटिंग भी नहीं कर सकते और आप कुछ इसके अंदर रख भी नहीं पाओगे, तो आपको इसी तरह से करना है। और अब मैं इसके अंदर आपको मार्किंग करके बता रही हूँ कि हमें मार्किंग कैसे करनी है। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पेंसिल ली है जिससे मैं मार्किंग करूँगी और उसके ऊपर मैं मार्कर से आउटलाइन कर दूँगी। तो हम सब मार्किंग करना शुरू करते हैं। ओके नाउ यू कैन सी मैंने मार्किंग कर दी है और मैंने इसका वो जो कलर है वो भी निकाल ही दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर लाइक दिस। ओके मैंने यहाँ मार्किंग करी है। अब हम इसे विद आर ब्लैक बोर्ड मार्कर वाइट बोर्ड मार्कर सॉरी उससे हम इसे मार्क करेंगे। तो हम मार्क कर देते हैं इसे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये मार्किंग कर दी है। ओके अब हम इसके इस जगह अब हम इसके चारों तरफ कुछ क्रिएटिव थिंग्स लगाएंगे। वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कौन से क्रिएटिव थिंग्स इसके अंदर लगाने वाली हूँ। तो पहले हम सारी जो हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मेरी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सो अब हम इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको कुछ क्रिएटिव थिंग्स दिखाने वाली हूँ, तो आप वो देख लीजिए पहले। ओके सो दिस इज आवर पर्ल पैकेट। ये आपको इजीली कहीं पर भी मिल सकता है। अगर आप ये लॉकडाउन में देख रहे हैं तो 6 to 11 AM हमारी जो शॉप्स हैं वो सारी खुली होती हैं, तो आप ये कहीं से भी बाय कर सकते हैं। और आप ये कोई से भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर का आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ मेरे पास कुछ चीज और भी वन मोर थिंग इज दैट इज माय दीज पोल्स। तो ये मैंने लीफी पोल्स लिए हैं। ओके ये हमारे लीफी पोल्स हैं, ये हमारे लीफ की तरह से हैं। अगर आप इसमें ये यूज करें तो इट्स वेरी गुड, बट अगर आप इसमें ये यूज नहीं करते हो तो इट्स ओके। बट अगर आप इसे इस तरह की चीजें कुछ ऐड करें तो बहुत प्यारा लगेगा। ओके थैंक यू। ओके
ओके सो अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं कि हम किस तरह से हमारा जो पर्ल है वो यूज़ कर रहे हैं। ओके सो अब हमने जो हमारे पर्ल थे उन्हें हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसे सूखने देना है बहुत अच्छी तरह से। ये सूखेगा, इसके अंदर हमें पेंट करना है, फिर हमें हमारा दो चीज़ें और बनाएंगे हम यहाँ पर इसी तरह से, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले अब हम इसके आसपास पर्ल पेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊँगी। ओके तो यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि आपको मैंने लीफी पोल्स लिए हैं यहाँ पर, जिन्हें मैं यहाँ पर स्टिक करूँगी किस तरह से वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अच्छी तरह से हम फेविकॉल लगाएंगे, और मैंने जो यहाँ पर ये वाले लिए थे आप इसके अराउंड सिर्फ अगर ये भी लगाएंगे तो भी ये बहुत सुंदर लगेगा। ओके अगर आपके पास लीव्स नहीं मिल पाती हैं आपको तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते हो। ओके सो हम शुरू करते हैं हमारा लीव्स को लगाना। ओके मैं आपको एक फ्लावर बना के बता देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर जो हमारा पर्ल है वो इस तरह से लगा दिया है, और अब मैं पूरी तरफ इस तरह से ही फ्लावर्स देन पर्ल देन फ्लावर्स देन पर्ल इसके अंदर यूज़ करूँगी। ओके तो आप देख सकते हो कि मैंने अब सारे हमने इसमें स्टिक कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर विंडोज़ बनाएंगे। ओके सो वही हम इसमें यूज़ करेंगे। फर्स्ट विल डू विद अ पेंसिल देन मार्कर देन कलर। ओके तो स्टार्ट करते हैं विद द पेंसिल। सो हमें इसे ज़्यादा ऊपर तो नहीं करना है, बट हाँ थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो मैं आपको करके बता देती हूँ। मार्कर हमने पेंसिल से कर लिया है, अब हम मार्कर से कर रहे हैं। ओके आप देख सकते हो अब हमने इसे मार्क कर लिया है। अब हम इसे किससे करने वाले हैं, पेंट से। So let's start with the paint.
ये हमने अब कलर से भी पेंट कर दिया है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट, जब अभी ये सूख जाएगा, जब नेक्स्टली हम क्या करेंगे, इसके अंदर पेंट करेंगे। उसके लिए भी आपको इसी ब्रश का यूज़ करना है, और इन दिस यू हैव टू यूज़ द थिक वन ब्रश। ओके, इसके आसपास भी अगर आप कुछ, आपके पास कुछ और क्रिएटिविटी थिंग्स हैं तो आप इसके आसपास भी लगा सकते हैं। थैंक यू। तो अब हमारा पेंट जो है सूख चुका है, और हमने जो बीड्स लगाए थे इसके अंदर वो भी अच्छी तरह से स्टिक हो चुके हैं, और हमने कल दो विंडो बनाई थी वो भी हमारी सूख चुकी हैं। विंडो को अगर आप डायरेक्टली आप बनाना आता है तो आप डायरेक्टली ब्रश से बना लीजिए, या फिर आप इस तरह से मार्क करके, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया, आप वैसे बनाइए। ओके, अब हम देखते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इसके लिए ब्लू कलर एंड येलो कलर का मिक्सचर चाहिए, तो वो हम सबसे पहले मिक्सचर बना लेते हैं। ओके, सो हमने हमारा जो ये मिक्सचर था वो मैंने रेडी कर लिया है, जो हमने येलो और ब्लू कलर से मिलकर बनाया है। ओके, अब मैं इसे, हमारा जो ये गेट है, इसके अंदर पेंट करूँगी। तो आप देख लीजिए कि मैं किस तरह से इसमें पेंट कर रही हूँ अंदर की तरफ। ओके, आप देख लीजिए। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसके अंदर की तरफ भी पेंट कर दिया है। तो ये हमारा आपको बिल्कुल ब्लू कलर दिख रहा होगा, बट ये बिल्कुल ब्लू कलर नहीं है, इसके अंदर हल्का सा ग्रीनिश शेड आया है हमारा। ओके, और इसी कलर को हम हमारे विंडोज़ में भी करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैं विंडोज़ में किस तरह से कर रही हूँ कलर। हमें बिल्कुल भी फोर्सफुली इसके अंदर कलर नहीं करना है, अदरवाइज जो हमारा कलर है वो ब्लैक कलर पे भी चढ़ सकता है, और हमें उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। ब्लैक कलर पे चढ़ जाए इट्स ओके, बट हमें इसमें येलोइश पार्ट बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए इन एनी, हम भले इसमें गेट में करें या फिर विंडो में करें। ओके, ये मेरी फर्स्ट विंडो कम्प्लीट हो चुकी है, अब मैं सेकेंड विंडो कर रही हूँ। सो इट्स डन, हमने दोनों में कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे, और इसके अंदर इसे गेट का और विंडो का शेप देंगे हम ब्लैक कलर से। ओके, सो अब है हमारा जो ये अंदर जो हमने कलर करा था वो अच्छी तरह से सूख चुका है, तो अब हम इसमें ब्लैक कलर की आउटलाइंस करेंगे, इनर लाइंस करेंगे, जिससे हमारे ये गेट का और हम इसे विंडो का शेप देंगे। सो हम शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है ब्लैक कलर, हल्का सा मैंने इसमें ब्लैक कलर ले लिया है ब्रश में, और हम बिल्कुल इन द मिडल, इन द बिटवीन, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे इसमें। ये हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल सा एक करेंगे, जो हमारा नॉड है, जिससे हम हमारा जो गेट है वो ओपन करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो कि अब मैंने यहाँ पर हमारा जो ये इसका नॉड बना दिया है, और मैंने हमारी विंडोज भी कंप्लीट कर दी है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टिन कैन प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप अगर ये बीड्स नहीं लगाओ इट्स ओके, ये बहुत सुंदर दिखेगा विदाउट बीड्स भी। ओके, थैंक यू। तो ये मेरा आज का वीडियो था, सो डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर प्लीज़, अदर
अदरवाइज आपको जो भी मैं बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशंस के लिए आप इतना तो कर ही सकते हो, सो प्लीज डू इट, थैंक यू।